हम तो ये कह रहे थे कि रोजा बहू का थोड़ा खास ध्यान रखिएगा। अब गर्मी बहुत है, व्रत में रहेगी, ऊपर से उसको प्रायश्चित में जाने काका करना पड़े। पराए घर से लड़की आई है, देखिएगा बीमार बीमार ना हो जाए। अरे अबू, पराई कहाँ रह गई है जी, अब तो आपन हो गई है। और वैसे भी माधव की दुल्हनिया हो एक नाते घर में हर कोई उसका हाथों हाथ रखता है। बहू, ये है पीतम्बरी साड़ी और ये है पहन के तुमको आज प्रायश्चित का भोग बनाना है। अभी बताओ कि तुमको रात में जमीन पर नींद आई कि नहीं। जी चाची जी, बहुत अच्छी नींद आई और हम खूब सोए भी, पर पता नहीं बाकी के घर वाले ठीक से सो पाए या नहीं। और उनकी नींद पूरी हुई या नहीं। अरे हाँ हाँ बहू, सब लोग तो खूब मजे से सोते रहे देर तक, एक तुम ही हो जो जल्दी उठकर यहाँ कमरे में आ गई। भैया, अरे माधव भैया, 5 मिनट में दीजिए। चलो उठो, उठो भैया। चलो भैया, चलो। अरे भैया, अब 5 मिनट नहीं, 5 घंटे सो जाओ बाथरूम में। भैया ये क्या किए, बच्चे पर अत्याचार है ये तो। बेटा ये अत्याचार नहीं, बड़े भैया का प्यार है। अरे विजेंद्र भैया, लगता है माधव भैया का नींद खुल गया है। अरे कहाँ खुली इसकी नींद, वो तो मैंने जबरदस्ती इसको अंदर फेंका नहाने के लिए। लेकिन देखो अभी भी भैया भैया चला रहे हैं। अरे हाँ भैया, वो तो हम देख ही रहे हैं भैया। अरे खोलो ना भैया, नींद आ रहा है हमका। यार बल्ली, इसकी बच्चों जैसी हरकतें देखकर लगता ही नहीं कि बड़ा हो गया। अरे विजेंद्र भैया आप टेंशन मत लीजिए, माधव भैया का दवा ना सिर्फ हमरे ही पास है। हाँ चलो चलता हूँ। अरे माधव भैया, हम हैं बल्ली। बोल जल्दी से, नहा के तैयार हो जाइए। माधव भैया देखिए, बात ये है कि आज भाभी को प्रायश्चित की खातिर चक्की में आटा पीसना है और आपके सिवाय उनकी मदद और कोई नहीं कर सकता, क्योंकि ये प्रायश्चित आप दोनों के नाम का है। अब जल्दी कीजिए, जल्दी से तैयार होकर आ जाइए, कहीं ऐसा ना हो कि भाभी को अकेले ही चक्की पीसिंग एंड पीसिंग। ओ बल्ली, अरे भाई पहले क्यों नहीं बोले, देखो अभी हम 5 मिनट में नहा कर आते हैं बाहर। हाँ हाँ जल्दी कीजिए। कलावती, हम लोग जब ब्याह के आए थे तो ये चूल्हे में ही खाना बनाते थे, इतना मुश्किल था ना लकड़ी और गोईठा में खाना पकाना। हाँ जी जी, कितना ध्यान रखना पड़ता था कि कहीं आग ना पकड़ ले, और अगर कभी अचानक से आंधी आ जाती थी तो खुला आंगन में होने के कारण सबसे पहले तो हमको चूल्हा बुझावे को पड़ता था। याद है एक बार जोर की आंधी आई थी और पूरी धूल मिट्टी वो चूल्हे पे रखी हंडिया में भर गया था, तब माधव की दादी कितना गुस्सा भरी थी हम पर, तब गुस्से से लाल आग बबूला। हाँ जी जी, हम दोनों को कितना सुनाई थी, वो क्या बोले थे कि आजकल की बहुरिया को तो चूल्हा चौका कुछ आता ही नहीं है। चाची जी, हमसे तो ई चूल्हे पे खाना बनाते ही नहीं बनता है, और सरोजा तो ये सब देखी भी नहीं होगी ना, पटना में कहाँ मिट्टी का चूल्हा होता है, पता नहीं वो सब कर पाएगी या नहीं। हाँ मंजू को यह सोच रहे हैं हम। अरे जी जी अब परेशान मत होइए, सरोजा बहू तो बहुत ही बुद्धिमान है, सब कुछ ठीक से कर लेगी। खाना ही तो बनाना है, हवाई जहाज थोड़ी ना उड़ाना है। ठीक कहती हो तुम कलापति, बाकी यही सोच रहे हैं हम कि सरोजा बहू को कोई परेशानी ना हो बस। अम्मा जी हम है ना, हम मदद कर देंगे सरोजा की। सजना